और इस वक्त बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर बहुत बड़ी खबर, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी। ये बड़ी खबर है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि आप देखिए दो आरोपी अब तक गिरफ्तार किए गए हैं, तीसरे की पहचान कर ली गई है, लेकिन इन सब के बीच लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। और ये कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस को सीधी चुनौती भी है, अगर इस बात में सच्चाई है जो जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ले रहा है, तो कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होंगे। आप देखिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी हुई। बाबा सिद्दीकी जो कि पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद एनसीपी में गए और कल ही उनकी हत्या हुई है, कई गोलियां उनके ऊपर मारी गई। मृत्युंजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े, मृत्युंजय लॉरेंस बिश्नोई गैंग हत्या की जिम्मेदारी ले रहा है, मुंबई पुलिस का क्या कहना है? ये कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के साथ साथ मुंबई पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी बड़े सवाल जरूर उठेंगे। जी बिल्कुल विशाल, देखिए ये बहुत चौंकाने वाली बात है, जिस प्रकार का ये मॉडस ऑपरेंडी है, जिस प्रकार से लॉरेंस बिश्नोई गैंग पहले भी ऐसे घटनाओं को अंजाम देने के बाद सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है अपनी बात पहुंचाने के लिए या अपनी बात एक मैसेज देने के लिए। इस बार भी एक सोशल मीडिया का एक मैसेज आया हुआ है जिसका नाम है शुभू लोंकर महाराष्ट्र, इस नाम का एक फेसबुक पर प्रोफाइल है, और इस प्रोफाइल पर उसमें दावा किया गया है कि वो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का है और अनमोल बिश्नोई का जिक्र किया गया है और अंकित भरू शेरावाला का जिक्र किया गया है। मैं संक्षिप्त में थोड़ा बता दूं कि आखिरकार सोशल मीडिया पर क्या लिखकर क्या दावा किया गया है, फिर मैं बताता हूं कि आखिर इस पर मुंबई पुलिस का क्या कहना है। देखिए ये इस पर लिखा है कि भारत जीवन का मूल समझता हूं, जिस्म और धन को धूल समझता हूं, किया वही सत्कर्म था जो निभाया, मित्रता का धर्म था जो। सलमान खान हम ये जंग नहीं चाहते थे, पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल बन रहे हैं या एक टाइम में दाऊद के साथ। बिल्कुल मृत्युंजय, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे संवाददाता वरुण जैन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, ये जो पोस्ट सामने आया जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग हत्या की जिम्मेदारी ले रहा है बाबा सिद्दीकी की, और सलमान खान का भी जिक्र इस पोस्ट में किया गया है, ये पोस्ट कितना सही माना जाएगा और पुलिस सूत्रों का क्या कहना है? देखिए ये बिल्कुल जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उसका ये तरीका रहा है, अब तक वो जब भी इस तरह की कोई किलिंग करवाता है या किसी को अपने निशाने पर लेते हैं तो ये गैंग सोशल मीडिया पर अपनी जिम्मेदारी लेता है। लेकिन जो ये शुभू शंकर महाराष्ट्र करकर जिस शख्स ने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट डाला है, अभी इसको वेरीफाई किया जा रहा है एजेंसी और जो दिल्ली पुलिस के सूत्रों से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि ये क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ था या नहीं जुड़ा हुआ था ये अभी साफ नहीं हो पाया है। तो क्या वाकई में ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही गुर्गा है, लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर ही इस शख्स ने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट डाला है, ऐसे कई अभी कॉन्ट्राडिक्शन है जिसका जवाब अभी साफ नहीं हो पाया है, इसलिए इस बात की पुष्टि फिलहाल नहीं की जा सकती कि हाँ वाकई में इस किलिंग को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से ही कराया गया है और जो ये पोस्ट है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कहने पर ही सोशल मीडिया पर डाला गया है। क्योंकि अगर आप इससे पहले भी देखेंगे तो लॉरेंस बिश्नोई का जो भाई अनमोल बिश्नोई है विदेश में बैठा हुआ है, चाहे गोल्डी बरार हो, वो खुद अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट है उससे इस तरह के जो पोस्ट है वो डालते थे और जिम्मेदारी लेते थे, लेकिन अभी किसी थर्ड पर्सन का और उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन भी अभी एजेंसीज के पास पुख्ता नहीं हो पाया है, इसलिए अभी इस पोस्ट का जो सत्यता है उसकी वेरिफिकेशन की जाएगी, उसके बाद ही साफ हो पाएगा। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम का इस्तेमाल कर इस तरीके से इस टारगेट किलिंग को करा सकता है, तो कई चीजें हैं जिसको वेरीफाई करने के बाद ही साफ पाएगा जी। वरुण, लेकिन इसमें सलमान खान का भी जिक्र है इस पोस्ट में, इसे कितना गंभीर माना जाए? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है सलमान खान के घर की भी रेकी हो चुकी है, उसकी भी जिम्मेदारी इस गैंग ने ली थी। देखिए यही वजह है कि अभी जो ये पोस्ट है वो संदेह के घेरे में है, क्योंकि ये बात पहले से ही साफ है कि लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पर सलमान खान रहा है, सलमान खान के घर की कई बार रेकी की गई है, उसके फार्म हाउस की भी रेकी की गई और उसी के चलते जो संपत नेहरा है उसकी गिरफ्तारी हरियाणा पुलिस ने की थी। जब ये बात सामने आई थी कि किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई एक बड़ी साजिश सलमान खान को मारने की कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इस बात की भी आशंका और संभावनाएं बनती है कि इस
ज्वेलरी का या इस जो लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को अपने टारगेट पे लेना चाहता था उसका कोई फायदा उठाकर भी इस तरीके के जो पोस्ट है वो सोशल मीडिया पर डाल सकता है। और अगर पैटर्न की बात करें तो लॉरेंस गैंग का हमेशा से पैटर्न रहा है कि अनमोल बिश्नोई या गोल्डी बरार कोई दूसरा जो गैंग का मजबूत शख्स है वही सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इस तरह की जो किलिंग और टारगेट्स है उसकी जिम्मेदारी लेता आया है। तो अभी क्या ये जानबूझकर सोशल मीडिया पर इन्वेस्टिगेशन को भटकाने के लिए या जांच को किसी दूसरी राह पर ले जाने के लिए किसी की साजिश है, ऐसा भी पुलिस की जांच होगी उसके बाद ही साफ हो पाएगा। बहुत शुक्रिया वरुण पूरी जानकारी देने के लिए। देखिए यहाँ पर एक पोस्ट किया गया है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है, हालांकि इसकी सत्यता की पुष्टि एबीपी न्यूज नहीं करता है, एजेंसियां पोस्ट की जांच में जुटी है। और ये जो पोस्ट किया गया है इसमें सलमान खान का भी जिक्र किया गया है, क्योंकि आप देखिए सलमान खान और बाबा सिद्दीकी बहुत अच्छे दोस्त थे। कल रात सलमान खान अस्पताल भी पहुंचे थे बाबा सिद्दीकी के परिवारजनों से मुलाकात करने के लिए, उन्हें ढाढ़स बंधाने के लिए। लेकिन इन सब के बीच में अब एक सोशल मीडिया पोस्ट आता है जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खुद को बताता है, और यह कह रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग इस हत्या की जिम्मेदारी ले रहा है। मृत्युंजय हमारे संवाददाता लगातार मुंबई से जुड़े हुए। मृत्युंजय, लॉरेंस बिश्नोई गैंग इस हत्या की जिम्मेदारी ले रहा है, हालांकि इस पोस्ट की सत्यता अभी तक वेरीफाई नहीं की जा सकी है, लेकिन आपके सूत्र क्या बता रहे हैं, क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग इसके पीछे हो सकता है, बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड के पीछे? देखिए निश्चित तौर पर ये जो सोशल मीडिया पोस्ट है इसे साइबर महाराष्ट्र की साइबर सेल के पास ये गया है, और वहाँ से ये कहाँ से पोस्ट किया गया है इसकी जानकारी हासिल की जा रही है, कि इसकी सत्यता की जानकारी हासिल की जा रही है। लेकिन सवाल ये कि आखिरकार इस हत्याकांड के पीछे कौन है, तो आपको बता दें कि जो आरोपी पकड़े गए हैं उन्होंने खुद तो ये दावा किया है कि वो लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करते हैं, लेकिन पुलिस पूरी तरह से इस पर विश्वास नहीं कर रही है। निश्चित तौर पर इस एंगल से जाँच कर रही है और अलग अलग टीमें रवाना कर दी गई हैं, मुंबई के बाहर भी अलग अलग टीमें जांच कर रही हैं, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ भी जांच साझा की जा रही है, उनकी भी सहायता ली जा रही है। यानी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एंगल से तो जांच की ही जा रही है, लेकिन साथ ही साथ पुराने जो बाबा सिद्दीकी के कुछ पुराने विवाद थे, जो खास करके जमीन डेवलपमेंट के मामले थे, रीडेवलपमेंट के प्रकरण थे, ऐसे मामले में कहीं कोई आपसी रंजिश हो जिसका बदला लिया गया हो, और कहीं लॉरेंस बिश्नोई के नाम या मौके का फायदा उठाकर किसी ने अपना स्वार्थ सादा हो, इसकी भी जांच की जा रही है। तो दो एंगल हैं, एक लॉरेंस बिश्नोई का एंगल है और दूसरा है कि उनके पुराने जमीनी विवाद को लेकर आपसी रंजिश का एक मामला हो सकता है, और जिसमें सामने वाले व्यक्ति ने लॉरेंस बिश्नोई के मोटिव का इस्तेमाल किया हो, उसके मॉडल्स का इस्तेमाल किया हो और हत्याकांड को अंजाम दिया हो। लेकिन अभी तक जो आरोपी हैं वो खुद को तो लॉरेंस बिश्नोई का ही गैंग का सदस्य बता रहे हैं, और इसी एंगल से जांच भी की जा रही है, इसीलिए वेरीफाई करने के लिए तथ्यों को अन्य राज्यों की पुलिस की भी मदद ली जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।